डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। यहाँ पे हमें एक पुराने जमाने का बहुत ही पहाड़ी ट्रेडिशनल घर देखने को मिला। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे। अला भैया गया था लकड़ी लेने जंगल और वहाँ जंगल से लेके आया है ये पीले पीले इतने सारे मात्रा में मशरूम। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर, प्रणाम। मैं हूँ ज्योति और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति ब्लॉग्स में। देवभूमि उत्तराखंड के विंध्येश्वर घाटी के खूबसूरत से हिली देन बाजार से और सामने की हरी भरी खूबसूरत सी पहाड़ियों से आज की मेरे इस नए दिन और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के लगभग 1 बजे के आसपास से। बाकी 3-4 दिन की लगातार बारिश के बाद आज इन पहाड़ों में मौसम सुहावना सा रहा सुबह से, और दिन बढ़ने के साथ साथ अभी देखिए सामने की ऊंची खूबसूरत सी पहाड़ियों में ना आसमान में चारों ओर फिर से काले घने बादल छा गए हैं और आज सुबह से लेकर अभी तक ना धूप बादलों के पीछे छुपी हुई है और मौसम ठंडा सा बना हुआ है। इसी के साथ बहुत ज़्यादा ठंड भी महसूस होने लग गई है। ये अभी हो गई हूँ मैं रेडी और मेरी तैयारी हो गई है यहाँ थलेसैंड से गाँव जाने के लिए। कल से लेकर अब बुधवार तक बच्चों की ना 3-4 दिन की स्कूल की छुट्टी है, तो मैंने सोचा छुट्टी के दिनों में यहाँ क्या काम करना, और मुझे ऐसा लग रहा है अब ना आगे आने वाले दिन में ना मौसम ठीक ठाक हो जाएगा। तो चलिए जी, गांव में आजकल बहुत सारे काम रखे करने के लिए, तो भाभी के साथ मदद करने के लिए चलती हूँ मैं भी यहाँ से। बाकी अब बच्चे भी तैयार हो गए हैं घर जाने के लिए और इसी के साथ मेरा बैग भी रेडी हो गया है। बाकी अभी देखिए मौसम सही सा है, बारिश नहीं हो रही है, और मैं सोच रही हूँ आज यहाँ से ना पैदल ही निकलते हैं। वैसे भी हमारे गांव की एक भी गाड़ी नहीं आ रखी है, और जो गाड़ी वाले हैं हमारे गांव के वो ना दिल्ली देहरादून जा रखे हैं भैया लंबे टूर पे। अपने रूम से मैं आ गई हूँ ब्लॉक फील्ड की तरफ, और आजकल ब्लॉक फील्ड के हाल देखिए भयंकर बेकार हो रखे हैं, पूरा कीचड़ी कीचड़ हो रखा है 3-4 दिन की लगातार बारिश के बाद। और यहाँ पे देखिए गाड़ियाँ फंस भी रही है ऐसा ऐसे आजकल पे। बाकी अब हमारी भाभी जी रहती है यहाँ पे हमारे गांव की, तो प्रियांशु और भी आ रहे हैं घर, तो चलिए इनके रूम पे चलते हैं फिर साथ ही निकलते हैं यहाँ से। खाए आ रहे तुम भात क्या कर रहे हैं तुम या खाए? तो देखिए भाभी जी आ गए है बाहर, ये खाल दो खिचड़ ख्याल रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए हमने शाम की गर्मा गर्म चाय बना लिया, शाम के नहीं दिन की लगा लो, टाइम से बन गई है। और मैं और भाभी जी बहुत ज्यादा चाय पीते हुए, बाकी भाभी देखिए दिन के लंच के जूठे बर्तन भी धो दिए है, और ये लोग तो पता नहीं कब तक आएंगे, ये लोग भी घरे आ रहे हैं और मैं सोच रही हूँ हम पहले ही निकल जाए, है ना। अरे ये तो मस्त खेल रहा है, उसको भी दे दे कुरकुरा, दीपू को भी दे दे, दे दे उसको भी थोड़े थोड़े। हाँ चाची नमस्ते, आप मिले हमारी चाची जी से, क्या कर रहे हो, कैसे हो, ठीक हो, घर हो ना ना हमारे यहाँ कचार हम भी आल दाना। देखिए जी गर्मा गर्म चाय भी पी ली है और भाभी जी और को घर आने में भी टाइम लगेगा, तो अभी बहुत सारा काम निपटाना है। हाँ ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो, जब तक धूप लगी। तो अभी जंगलात वाले रास्ते होते हुए हम लोग आ गए हैं मेन रोड, और ये रोड ना आगे की ओर विंध्येश्वर घाटी की तरफ चली जाती है। तो आज हम शॉर्टकट रास्ते जाने वाले हैं, यानी कि कैनर गांव के बीचों बीच इस ऊपर वाले जंगल के रास्ते से, और यहाँ से ये रास्ता शुरू होता है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो चलिए जी आज इसी रास्ते चलते हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम, चलो। आज इस पैदल रास्ते हम लोग जा रहे हैं ना, तो ये रास्ता सीधा कैनर गांव के बीचों बीच में जाता है, और यहाँ आसपास देखिए आपको खाली चीड़ी चीड़ के बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, बाकी इन पेड़ों के बीचों बीच खूब सारी हरी हरी घास भी हो रखी है। तो यहाँ पे देखिए कैनर गांव के लोग के मवेशी ना यहाँ पे चुगने के लिए आ रखे हैं, सामने पे भी हैं और इस साइड भी, ये देखिए। चीड़ के इन जंगलों से पैदल होते हुए अभी हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली अपने गांव की रोड पे। तो सामने वाली ये जो ऊपर वाला रास्ता है ना, ये चला जाता है हमारे गांव की तरफ, और ये नीचे वाली रोड चली जाती है थलेसैंड बाजार के लिए। तो चलिए जी आज इस ऊपर साइड वाले रास्ते ही चलते हैं, और बच्चों को
बहुत ज्यादा आफत आ गई है ना यहाँ चढ़ाई में ना। लेकिन हमारे पहाड़ों में ना छोटे छोटे बच्चे भी काफी स्ट्रांग होते हैं, आराम से चल लेते हैं भाई, इनको चलने में कोई दिक्कत नहीं होती पहाड़ों में। वो इसलिए कि पहाड़ों में ना बचपन से ही बच्चों को चलने फिरने की आदत हम लोग डला देते हैं ताकि आगे जाके उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। कंटिन्यू चलते चलते अभी के टाइम पे मैं एक प्यारी सी लोकेशन पर पहुंच गई हूँ। यहाँ से नीचे साइड पूरी घाटी में ना बहुत सारे गांव दिखाई देते हैं और ठीक नीचे वाली जगह पर आज ही हमारा थ्रेसेन बाजार, और थ्रेसेन बाजार के चारों ओर जितना भी आपको जंगल का एरिया दिखाई दे रहा है, इन जंगलों में चीड़ी चीड़ के पेड़ हैं जो कि अभी के टाइम पे हरे भरे काफ़ी खूबसूरत से दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहाँ से ठीक सामने वाली जगह पर आज ही रंडोला गाँव, और इस गाँव में तो अभी तक झंगोरे की लवाई कटाई कुछ भी काम नहीं हुआ है। बाकी सामने साइड की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बहुत सारे अलग अलग गाँव हैं जो कि बड़े प्यारे से लग रहे हैं भाई, यहाँ ऊपर के साइड भी। बाकी यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर पर साइड ये पूरा कैन्योर गांव का एरिया है, और यहीं तक नहीं बल्कि यहाँ आगे की ओर बहुत ही बड़ा गांव है। बाकी यहाँ के लोगों ने देखिए अपने खेतों में आजकल झंगोरे की न्यार बिगाड़ दी है, यानी कि झंगरेटे वाली घास निकाल के ऐसी छोटी छोटी थुई लगा रखी है सुखाने के लिए। जिस दिन से धूप लगनी शुरू हो जाएगी ना सही से, उसके बाद लोग ना इस पूरी न्यार वाली घास को पेड़ों पे स्टोर करके लगा देंगे सर्दियों के सीज़न के लिए। सर्दी के टाइम पे हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, उस टाइम पे ना खेतों वाली घास होती है, यानी कि ज़मीन वाली हरी घास भी नहीं रहती है, और जंगलों के साइड भी हम लोग नहीं जा पाते हैं घास निकालने के लिए, तो उस टाइम पे यही सूखी घास ना गाय भैंसों को देने के काम आती है भाई। तो भाई पूरा इंतज़ाम करना पड़ता है हम लोग को आजकल के टाइम पर ही सर्दियों के लिए। तो लीजिए हम पहुंच चुके हैं प्रॉपर कैन्योर गांव में, और वहां ऊपर वाली उस धार से लेकर यहां नीचे और ठीक नीचे वाली रोड तक ये पूरा गांव कैन्योर एरिया का है। बाकी यहां पे हमें एक पुराने ज़माने का बहुत ही पहाड़ी ट्रेडिशनल घर देखने को मिला, जिसकी बनावट देखिए कुछ इस तरह से है। इस घर को पत्थर लकड़ी और मिट्टी से बनाया गया है। बाकी इस घर की जो छत है ना उसको देखिए बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है, और इन पत्थरों को हमारे गढ़वाल में पठाल बोलते हैं। बाकी बीचों बीच देखिए कुछ ऐसे खम्भे बनाए गए हैं, इन खम्भों को पता किससे बनाया गया, लकड़ी से। तो पुराने टाइम के ऐसे घर हमारे पहाड़ों में हुआ करते थे, ऐसा ट्रेडिशनल था हमारे भाई पुराने ज़माने का। बाकी आजकल के टाइम पे देखिए लोगों ने ना इन घरों में सूखी सूखी घास रखी हुई है बारिश से बचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए अभी हम एक बहुत ही प्यारे व्यू पॉइंट पे पहुंच गए हैं। यहाँ से नीचे देखिए कैन्योर गांव का एरिया यहाँ से पूरा दिखाई देता है, और इस गांव में ना बहुत सारे पहाड़ी ट्रेडिशनल घर हैं। अब तो लोगों ने पक्के मकान बनाना शुरू कर दिया इस गांव में भी, और आजकल देखिए लोगों ने अपने अपने खेतों में इस साइड में ना झंगरेटे वाली घास निकाल दी है, साथ साथ में झंगोरे की लवाई भी कर दी है। और गाँव के आस पास लोग के घरों के अगल बगल खूब सारे फलदार पेड़ हैं, और ये पेड़ ना ज़्यादा से ज़्यादा माल्टे की है। हम जा ही रहे थे इतना भी देखिए हमारे गांव की एक टैक्सी भी ली है, चलिए जी आधे रास्ते तक अब इसी टैक्सी में चलते हैं। कल परसों की तीन चार दिन की लगातार बारिश के बाद यहाँ रोड के ऊपर साइड देखिए बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो रखा है, और सुबह तक ना यहाँ पे भयंकर रोड ब्लॉक हो रखी थी। अभी के टाइम पे देखिए जैसे भी ना पूरी रोड क्लियर कर दी है, यानी कि आने जाने का रास्ता क्लियर कर दिया है। ये देखिए जी पूरी रोड पे बहुत सारी मात्रा में मलबा आ रखा है, तो बरसात के टाइम पे हमारे पहाड़ों में लैंडस्लाइड का बहुत ज्यादा खतरा रहता है भाई। तो जिस गाड़ी में हम लोग अभी आए ना, तो वो गाड़ी चली गई है गांव की तरफ, और हम लोग को जाना है अब इस पगडंडी वाले पैदल रास्ते से ठीक ऊपर वाली धार में हमारे घर के लिए। तो चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं घर पे, और चलते चलते इतनी थकान लगी ना। प्रणाम कर दे नानी को, खाया लिया? हाँ। शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो गया है, और इसी के साथ
अभी के टाइम पे ना बच्चे ना आराम कर रहे हैं और भाभी लोग चले गए हैं खेतों में घास लेने के लिए और माँ पापा तो घर पे ही है। और अभी मेरी तैयारी हो गई है अपने बगडांग वाले मोहल्ले में श्री दादाजी लोग के घर पे जाने के लिए। आज के जैसे भादो का महीना है तो इस महीने में ना हमारे पहाड़ों में सभी लोग ना अखरोट के पेड़ से अखरोट निकाल लेते हैं, तो उनके घर से मैं अखरोट लेने के लिए जा रही हूँ वो भी पैसों में। तो चलिए जी चलते हैं बगडांग की तरफ और देखते हैं दादी देते नहीं देते अखरोट। वैसे पापा ने बोल तो रखा है उनके बेटे के लिए ना, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। तो चलिए जी जिन दादा लोग के मुझे घर से अखरोट लेने जाना है ना उनका घर यहाँ से ठीक ऊपर उस वाली जगह पे है और इस धार से ना मेरे गांव रौली का नज़ारा शाम के टाइम पे कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये देखिए जी, और यहाँ नीचे की तरफ देखिए, यहाँ इस वाले रास्ते में आजकल धान की फसल भी पक के तैयार हो गई है, मतलब काटने लायक रेडी हो गई है। और यहाँ नीचे देखिए ये छोटी सी लड़की ना लाल लाल मिर्च को सुखा रही है भाई अपने छत में। ये लोग के घर पे आने के बाद पता चला कि यहाँ पे अखरोट नहीं है। बाकी अभी देखिए दादा दादी और साथ में लाइन में भैया यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं। और इसी के साथ इनके किचन गार्डन में देखिए खूब सारी सब्जियाँ हो रखी है, यानी कि इस वाली छोटी सी क्यारी में खूब सारी मिर्ची हो रखी है। और आजकल मिर्च के पौधों में हरी मिर्चों के साथ साथ लाल मिर्ची भी हो गई है और खूब सारी फ्लावरिंग भी हो रखी है। इसी के साथ सामने वाले किचन गार्डन में खूब सारी मीठे करेले और राजमा की झाड़ियाँ भी हो रखी है और इन झाड़ियों पे आजकल बहुत सारी मात्रा में राजमा भी आ रखी है। ये देखिए जी, बाकी सामने पे रहा माल्टे की दूसरी प्रजाति बम्बई का पेड़ और इस पेड़ पे खूब सारी मात्रा में बम्बई आ रखी है भाई। और ये वाली बम्बई ना अब से लेकर नवंबर के महीने तक पक के तैयार हो जाती है। बाकी देखिए दादी जी अभी के टाइम पे आराम से तम्बाकू पीने का आनंद ले रही है। तो हमारे पहाड़ों में ना बुजुर्ग लोग ऐसा वाला तम्बाकू पी के खाने का पाचन करते हैं भाई। बाकी धीरे धीरे करके हमारे गांव के चारों ओर से धूप भी चली गई है और इसी के साथ सामने देखिए बिंदेश्वर की ऊंची पहाड़ियों पे हल्की हल्की धूप रह गई है और चारों ओर से अब देखिए सनसेट होने ही वाला है। बाकी यहाँ नीचे की ओर लोग के किचन गार्डन में सेम राजमा की झाड़ियाँ रखी है वो बहुत सारी मात्रा में और इन झाड़ियों पर भी देखिए खूब सारी राजमा की फलियाँ लगी हुई। इसी के साथ साथ इन खेतों में ना मक्का भी हो रखे हैं और लोगों ने देखिए मक्का के ऊपर ऊपर वाला हिस्सा काट दिया है और इन पौधों पे खूब सारी बड़ी बड़ी साइज की मूंगरियाँ हो रखी है भाई। और ये मक्का के पौधे ना शायद लंबे हो रखे थे इसलिए लोगों ने काट दिए। ये देखिए बाकी सामने साइड वाले इस खेत में चौलाई की खेती की गई है और आजकल देखिए चौलाई के पौधे में काफ़ी बड़े बड़े फुरके आ रखे हैं। अब ये चौलाई अब से लेकर एक हफ्ते बाद पककर तैयार हो जाएगा और उसके बाद इस फसल की कटाई भी करना शुरू कर देंगे हम लोग। और अब मिलिए हमारी चाची जी से। कैसे हो चाची? प्रणाम। प्रणाम। ठीक ठाक? ठीक है बस बढ़िया। फोटो नहीं खींचा, वीडियो और अभी मैं घर की तरफ जा ही रही थी इतने में देखिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा कीड़ा देखा। गढ़वाल में हम लोग इस कीड़े को बोलते हैं गुजबग, यानी कि गुजकीड़। और इस कीड़े पे देखिए कितने लंबे लंबे भूरे भूरे कांटे हैं भाई। अगर ये ना एक बार किसी की स्किन पे लग जाए ना भयंकर फुरफुरे और खुजली होती है ना भाई 2 दिन तक, तो इस कीड़े से भी बच के रहना पड़ता है भाई। और ये कीड़े ना आजकल बरसात के टाइम पे ही ज़्यादा दिखते हैं भाई पहाड़ों में। बाकी शाम के टाइम पे देखिए सभी लोगों ने अपने अपने गौशाला या गुठियार में अपने अपने गाय भैंसों को निकाल के रखा है। और हमारे पहाड़ों में देखिए गाय भैंसों के रहने के लिए ऐसे घर बनाए रहते हैं और इन घरों को हम लोग ना गढ़वाल में छानी बोलते हैं। तो इस छानी को पत्थर मिट्टी लकड़ी से बनाया गया है भाई। जी घर पर भी मैं आ गई हूँ और ये जो घर के पास वाला मंडवे का खेत है ना, इस खेत में देखिए मंडवा फिर से झुक गया है। तो भाई इस साल तो पता नहीं क्या हो रहा है, सारी फसल ऐसे ही झुकते जा रही है और जो हमारे गौशाला के ऊपर साइड वाले खेत हैं ना उन खेतों में भी ऐसे ही झुका हुआ है मंडवा। बाकी 2-3 दिन में ही देखिए इन काकड़ियों की झाड़ी से ना पूरे पत्ते झड़ गए हैं और
अब देखिए एक भी काकड़िया इन पे नई नई लग रही है, यानी कि पुरानी पुरानी काकड़िया है जो कि बहुत ज्यादा पीली हो रखी है। तो अब मिलिए सोम्या से। तो ये रहा हमारा शोमू, कैसे है बच्चे? कच्चे का कलू। तो आजकल ना सोम्या की तबीयत भी ठीक नहीं है। हमारी फैमिली में एक मेंबर ठीक हो रहा है तो उसके बाद दूसरे मेंबर को बुखार आ रहा है। तो आजकल देखिए सोम्या को भी बुखार, जुखाम, खांसी, ये सारी चीजें हो रही है ना। तो इस बदलते हुए मौसम में देखिए बच्चे भी बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। शोमो कहा कलू डांच करो, ये देख वो नटखट है भाई हमारे शोमो, आजकल तो बहुत सारे दांत भी आ गए। तो देखिए जी, आज सुबह छोटा वाला भैया गया था लकड़ी लेने जंगल, और वहां जंगल से लेके आया है ये पीले पीले इतने सारे मात्रा में मशरूम। और इस मशरूम को हमारे गढ़वाली लैंग्वेज में बोलते हैं पिरुलचू। भाई इतनी बड़ी परात भर के मिले उसको, देखिए जी। और ये मशरूम ना आजकल बरसात के ही टाइम पे हमारे पहाड़ के जंगलों में उगते हैं। और ये पता कौन से जंगलों में उगते हैं? जहाँ चीड़ के घने पेड़ रहते हैं, गर्मी जैसा माहौल रहता है, और चीड़ के घने पेड़ों के बीच गर्म माहौल में ये ना आजकल के टाइम पे देखिए इतने बड़े साइज के हो रखे थे। भाई आज तो मजे आ गए, आज बनने वाले हैं हमारे घर में मशरूम की सब्जी। ये देखिए जी,